हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल विज्ञान गुरुजी। ये वीडियो हम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं जो कि एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे, बैंक, नबार्डा या फिर अदर किसी भी एसएससी एग्ज़ाम वन डे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम शुरू करेंगे अगस्त 2019 तक के करंट अफेयर की, जिसमें हम करीब करीब 90 प्लस क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप हमें अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और इस रेफरल कोड को इस्तेमाल करके आप 10% तक का ऑफ पा सकते हैं। तो और हमारा यूज़र आईडी है चंदन सिंह 5588। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस अन अकेडमी पर भी मिल जाएगी जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकसभा के स्पीकर के रूप में ओम बिरला को नियुक्त किया गया है। मौसम विज्ञान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये है मृत्युंजय महापात्रा। देश के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख करमवीर सिंह। नौसेना के प्रमुख जो हैं वो हैं करमवीर सिंह। देश के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, ये हैं श्री नरेंद्र मोदी। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भारत के वित्त मंत्री हैं और जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं, ये हैं श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे राज्यसभा के स्पीकर भी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको फिर से उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये है वाई वी सुब्बा राव उपराष्ट्रपति के सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, ये है राजनाथ सिंह। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्षा मंत्री जो हैं वो हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ये हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया, और चूंकि ये हमारे पहली बार लोकपाल की नियुक्ति हुई है इसलिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये है न्यायमूर्ति पीसी घोष। तो लोकपाल हमारे हैं न्यायमूर्ति पीसी घोष। आप कोशिश करो कि क्वेश्चन को तुरंत यहीं याद कर लो ताकि आपको अन्य भी, चूँकि एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, तो अगर आप यहीं कोशिश करेंगे याद कर लें तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे देश के गृह मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारे गृह मंत्री जो हैं वो हैं अमित शाह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देश के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गंगोई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। आपको पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं, और प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिर से कौन बने हैं, तो ये हैं श्री अजीत डोभाल, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला बाल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये हैं स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसको देश का नया मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है, ये हैं पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। केंद्रीय कोयला मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, प्रहलाद जोशी। देश के लोकपाल के महासचिव कौन है, अभी लोकपाल की हमने बात की थी, प्रथम लोकपाल, अब ये उसके महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो भारत के कानून और न्याय मंत्री जो हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का
रेल मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल। वाणिज्य उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसायन उर्वरक मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी सदानंद गौड़ा। हमारे देश में तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जो कि हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। देश के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सक्सेना। हमारे देश के नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमिताभ कांत। अगर आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ताकि हम अन्य वीडियो भी आपके लिए ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? कुमार राजेश चंद्र। कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है? असीम खुराना। हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं सुधीर भार्गव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे देश के राज्यसभा के सभापति कौन है? M. वेंकैया नायडू। मैंने बताया कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के महासचिव कौन है? ये हैं देश दीपक वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा। महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं ये कौन है? के के वेणुगोपाल। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, ये हमारे भारतीय सेना के प्रमुख हैं। वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल बी एस धनोआ। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वो हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सचिव हैं विजय केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? विजय केशव गोखले। ये वीडियो जो टेक्स्ट है ये इसमें आ गया है, विदेश सचिव जो हैं वो हैं विजय केशव गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? ये हैं महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राजस्थान के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के महानिदेशक कौन है? ये हैं अरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये भी हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और साथ ही साथ पर्यावरण एवं वन एवं जल परिवर्तन। हमारे देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं राजीव कुमार। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है, श्रम और रोजगार मंत्री कौन बने हैं? संतोष गंगवार।
राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? ये है के शिवान। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको पता है कि इसरो के द्वारा ही हमारा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म है, इसके अध्यक्ष कौन है? ये हैं सतीश रेड्डी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश के वित्त सचिव कौन हैं? तो वित्त सचिव हैं सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक कौन है? ये हैं सुरजीत देशवाल। नेक्स्ट है भारतीय महिला आयोग यानी कि NCW के अध्यक्ष कौन है? ये हैं रेखा शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है नंदकिशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार झा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मिताली राज। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो है वो है मिताली राज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICC इंडियन क्रिकेट क्लब के CEO कौन है? ये हैं मनोज शाहनी। SIDBI के अध्यक्ष कौन है? ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड SEBI, ये भी न्यूज़ में काफ़ी होता है SEBI, तो इसके अध्यक्ष कौन है? ये हैं अजय त्यागी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सेंट्रल CRPF के महानिदेशक कौन है? ये हैं राजीव राय भटनागर। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB, इसके प्रमुख कौन है? ये हैं अरविंद कुमार। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BRC के अध्यक्ष कौन है? ये हैं अजीत कुमार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा भारतीय सूचना विनियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के अध्यक्ष कौन है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, TRAI अक्सर न्यूज़ में होता है। ये हैं आर एस शर्मा। देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी न्यूज़ में होता है। हमारे देश के राजस्व सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? रजनीकांत मिश्रा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक कौन है? ये हैं राजेश रंजन। CBI के महानिदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? ये हैं सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है राजीव महर्षि। प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं ए सूर्य प्रकाश। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रसार भारती के CEO कौन है? शशि शेखर वेम्पति। 14वें वित्त आयोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के रख लो। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कि 2015 से लेके 20 तक के लिए होंगे, ये हैं डॉक्टर वाई वी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो हैं NK सिंह, जो कि 2020 से लेके 25 तक होंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? यह है युद्धवीर सिंह मलिक। भारत के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PNB के अध्यक्ष कौन है? यह है सुनील मेहता। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर कि जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। भारत के विदेश सचिव कौन है? ये हैं विजय केशव गोखले। SBI के अध्यक्ष कौन है? तो SBI के अध्यक्ष जो हैं वो हैं रजनीश कुमार। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न
संस्था FGII के अध्यक्ष कौन है? यह है विजेंद्र पाल सिंह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है वाईसी मोदी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? यह है मुश्ताक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? ये हैं CK खन्ना। और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारा 90वां क्वेश्चन था। तो मैंने कोशिश किया है कि उन सभी व्यक्तियों को कवर करूं जो कि पर्सन इन न्यूज़ थे अगस्त 2019 तक। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे वीडियो को अन अकेडमी पर भी रेफरल कोड के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें रेफरल कोड के तौर पे आप चंदन सिंह 5588 लिख कर इस्तेमाल करें, और प्लस कोर्स को आप ख़रीद सकते हैं जहाँ पर आप 10% तक का छूट पा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी है www.sarkariservices.com, और यूट्यूब चैनल ये दो हमने नीचे दे रखा है, विज्ञान गुरुजी और सरकारी सर्विसेज़। आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।